उज़्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहे एनुअल संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने फ्राइडे को इंडिया, रशिया और एससीओ के अदर मेंबर्स से अपील की कि वे एक दूसरे के साथ कॉरपोरेट करें ताकि विदेशी शक्तियां कलर रेवोल्यूशन को बढ़ावा ना दे पाए और हम सब मिलके अपनी कंट्रीज़ को डीस्टेबलाइज होने से रोक सकें। तो क्या होता है ये कलर रेवोल्यूशन एंड क्यों चाइना इतना वरीड है इसको लेके, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कलर रेवोल्यूशन या कलर्ड रेवोल्यूशन, ये वर्ड दुनिया भर की मीडिया के द्वारा लगभग 2004 से इस्तेमाल होता आ रहा है और इसका यूज़ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट्स या इसके साथ गवर्नमेंट्स में हो रहे चेंजेस जो कि अटेम्प्टेड या सक्सेसफुल हुए हैं इन पोस्ट सोवियत यूरेशिया ड्यूरिंग 21st सेंचुरी से होता आ रहा है। कलर रेवोल्यूशन प्रोटेस्ट्स की एक ऐसी श्रृंखला के बारे में बताता है जो कि अर्ली 2000 में ईस्टर्न यूरोप के फॉर्मर कम्युनिस्ट नेशन में शुरू हुई एंड इसके बाद इसको मिडिल ईस्ट और एशिया में हो रहे पॉपुलर मूवमेंट्स के लिए भी रेफरेंस दिया जाने लगा। इन रेवोल्यूशंस में ज़्यादातर में स्ट्रीट्स पर लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन देखने को मिला जिसमें कि फ्री इलेक्शंस की डिमांड की गई और शासन में बदलाव और सत्तावादी लीडर्स को भी हटाने की डिमांड की गई। कलर रेवोल्यूशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ये जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो अक्सर एक स्पेसिफिक कलर के कपड़े पहनते हैं जैसे कि यूक्रेन का ऑरेंज रेवोल्यूशन। बट ये टर्म ऐसे मोमेंट्स को भी डिस्क्राइब करता है जिन रेवोल्यूशंस का नाम फ्लावर के नाम पर पड़ा है जैसे कि ट्यूनीशिया का जैस्मिन रेवोल्यूशन। 2019 में चाइना ने कहा कि हांगकांग में हो रहे प्रोटेस्ट भी कलर रेवोल्यूशन बन गए हैं। काफ़ी लंबे वक्त से मॉस्को और बीजिंग ने अक्सर इस रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि दे थिंक कि यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज उनकी कंट्री को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही रेवोल्यूशंस के बारे में। यूक्रेन में 2004 में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हुई गड़बड़ी के बाद ये प्रोटेस्ट चालू हुए और ये नवंबर 2004 से लेकर जनवरी 2005 तक चले जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से प्रभावित होने का दावा किया गया, वोटर्स को धमकी दी गई और चुनाव में धोखाधड़ी हुई। काइव जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, ये प्रोटेस्टर्स का गढ़ बन गया। ये इलेक्शंस हुए थे विक्टर युशचेंको और विक्टर यानुकोविच के बीच में। विक्टर युशचेंको जिनको कि वेस्ट का सपोर्ट था और विक्टर यानुकोविच जिनको मॉस्को के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। इसके बाद यूक्रेन की जनता को और कई इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इलेक्शन मॉनिटर्स के द्वारा ये क्लेम किया गया कि प्रमुख उम्मीदवार विक्टर युशचेंको और विक्टर यानुकोविच के बीच में 21 नवंबर 2004 के रन ऑफ वोट के रिजल्ट्स में अधिकारियों द्वारा इलेक्शंस रिजल्ट में धांधली की गई। यूक्रेन के इलेक्शन कमीशन ने यानुकोविच को विनर डिक्लेयर कर दिया जिसके बाद यूएस और यूरोपियन यूनियन ने इस इलेक्शन को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया। एज़ यूजुअल रशिया ने इन इलेक्शंस में किसी भी तरह के फ्रॉड की होने के बाद से इनकार कर दिया। आफ्टर इलेक्शन प्रोटेस्टर्स जो थे वो ऑरेंज कपड़े पहन के सड़कों पर आ गए पूरी कंट्री में और ये ऑरेंज कलर युशचेंको का कैंपेन कलर भी था। एंड प्रोटेस्ट के बाद इलेक्शंस रिजल्ट यूक्रेनियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया और रीवोटिंग कराई गई जिसमें युशचेंको विक्टोरियस रहे एंड ये रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ। ट्यूलिप रेवोल्यूशन या फिर इसको फर्स्ट किर्गिज रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इस मोमेंट की वजह से किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट अस्कर अकायव को 2005 में उनकी गद्दी से बेदखल कर दिया गया था। पार्लियामेंट के इलेक्शंस में हुए फ्रॉड का ही रिजल्ट था ये प्रोटेस्ट जिसमें अकायव और उनकी फैमिली मेंबर्स की जीत हुई थी। फॉरेन ऑब्जर्वर्स ने कथित तौर पर इन इलेक्शंस में फ्रॉड की बात की थी। प्रेसिडेंट अकायव 1990 से प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठे हुए थे जिसके बाद उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट चालू हुए। इवेंचुअली प्रेसिडेंट अकायव और उनकी फैमिली देश छोड़कर रशिया भाग गए एंड रशिया में जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। दुनिया भर में इसी तरह के कई और रेवोल्यूशंस भी देखने को मिलते हैं जैसे कि ट्यूनीशिया का जैस्मिन रेवोल्यूशन, इजिप्ट का लोटस रेवोल्यूशन एंड कुवैत का ब्लू रेवोल्यूशन। सो इट इज़ नोन कि क्यों चाइना इतना वरीड है इन रेवोल्यूशंस को लेकर। रशिया, चाइना और वियतनाम थिंक कि ये कलर रेवोल्यूशंस यूएसए और अदर वेस्ट पावर्स की साजिश का उत्पाद है और उनकी पब्लिक और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा भी है।
So, if you found this video informative, so please make sure you like, share and do comment on this video, and don't forget to subscribe to my channel Popularopedia for more amazing content. Thanks for watching. Bye.